भारत के कई साधु संत विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्हीं में से ही एक है बाबा नीब करोरी जी। इनके बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। यह हनुमान जी के परम भक्त थे, जो 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक थे। देशी व विदेशी सभी इनकी सेवा में उपस्थित रहते थे और इनके प्रसाद रूपी आशीर्वाद को पाकर अपने को सौभाग्यशाली मानते थे। इन्हीं के महान जीवन की कुछ बातें आज हम आपके साथ साझा करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। उत्तर भारत की संत परंपरा को लगभग 5 दशकों तक समृद्ध कर भारतीय जनमानस में सनातन धर्म के प्रति अडिग आस्था का संवर्धन करने वाले पूज्य संत श्री नीब करौरी जी महाराज की लीलाएं आज भी लोगों को लालाहित और उत्साहित कर रही हैं। देश विदेश के अनेक आध्यात्मिक लोगों को महाराज जी की अदृश्य कृपा का बोध हो रहा है। बाबा की लीला स्थली आज भी उतनी ही चैतन्य और ऊर्जावान है जितनी उनके सशरीर उपस्थित रहने पर हुआ करती थी। बाबा नीब करौरी जी महाराज का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नामक एक छोटे से गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और वे बाल्यकाल से ही विरक्त भाव से संपन्न थे। भगवान सीताराम के प्राण प्यारे श्री हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट स्वीकार कर महामंत्र राम राम की अमोघ शक्ति का आश्रय लेकर बाबा जी ने अपना तप पूर्ण किया। बाबा जी ने अमरकंटक, चित्रकूट और बद्रीनाथ में साधना की और अंततः उन्होंने फर्रुखाबाद जिले के नीब करौरी नामक गांव में लगभग 12 वर्ष तक गुफा में रहकर घोर साधना की। इस बीच लोग उन्हें लक्ष्मण दास के नाम से जानने लगे थे। 12 वर्ष तक बाबा जी ने जिस गुफा में तप किया उसके नष्ट हो जाने पर उन्होंने दूसरी गुफा बनवाई और उसमें अपने हाथ से संकटमोचन श्री हनुमान जी की मूर्ति बनाकर स्थापित की और उसी मूर्ति के नीचे बैठकर अखंड नाम जप करते रहे। सच्चे साधुओं को अपनी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए बाबा जी भी जब किसी स्थान पर ज्ञान देते थे तो वह स्थान त्याग देते थे। रिद्धियां सिद्धियां प्रभु मिलन में बाधक होती हैं। बाबा जी को साधना के परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं, जिनका प्रकटीकरण यदाकदा लोक कल्याण के लिए हो जाया करता था, जिस कारण उनकी छवि चमत्कारी बाबा के रूप में होने लगी थी। किंतु बाबा जी को इन चमत्कारों का परिणाम पता था, इसीलिए वे कभी भी अपने जीवन में घटित किसी भी चमत्कार की चर्चा की अनुमति किसी को भी नहीं देते थे। वे स्वयं भी कहा करते थे कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। बाबा जी का पाणिग्रहण संस्कार भी परंपरा के अनुसार बाल्यकाल में हो चुका था। अपनी साधना की पूर्णता के पश्चात पिताजी की आज्ञानुसार बाबा जी ने गृहस्थ जीवन का कर्तव्य भी पूर्ण पवित्रता से निभाया। उन्हें 3 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी और वह अभी भी जीवित हैं। बाबा जी ने लगभग 4 दशकों तक पवित्र भारत भूमि की परिक्रमा की, फिर देवभूमि उत्तराखंड, श्रीधाम वृंदावन, तीर्थराज प्रयाग, चित्रकूट, काशी, विंध्याचल और पुरुषोत्तम नगरी पुरी की भी यात्रा की। बाबा जी ने जगह जगह हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित कराकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ आयोजित कराकर भंडारा कराया। बाबा जी ने यह कार्य अपने इष्ट श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही किया। 15 जून 1955 को बाबा जी ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची गांव में एक नदी के तट पर हनुमान जी की मूर्ति लगवाकर जो भंडारा प्रारंभ किया, आज भी वह वैश्विक स्तर पर आकर्षण एवं चर्चा का केंद्र है।
लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष वहां 15 जून को मालपुआ का भोग पाते हैं। आश्चर्य है कि सन 55 से आज तक ऐसा विशाल भंडारा बिना किसी विघ्न के चल रहा है। यह एक सच्चे संत के संकल्प का ही प्रभाव है। इसी तरह से श्रीधाम वृंदावन में, जहां पर 10 सितंबर 1973 को रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ओम जय जगदीश हरे उच्चारित कर बाबाजी ने अंतिम सांस लेकर अपनी लीला समाप्त की, वहां भी तभी से अनवरत संत सेवा, गोसेवा, देव सेवा एवं नारायण सेवा का नित्य आयोजन हो रहा है। यह भी उनकी अन्नपूर्णा सिद्धि की लीला है। बाबाजी की उपदेश प्रणाली बड़ी ही अनुपम थी। वे किसी को मंत्र नहीं देते थे, किसी को माला जपने को नहीं कहते थे और ना ही कोई पूजा पद्धति बताते थे। वे कहते थे कि राम राम कहने से सब पूरा हो जाता है। ध्यान और योग हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन राम नाम हर कोई ले सकता है। राम ही केवल प्रेमो प्यारा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम भूल जाते हैं, हम कदाचित उन्हें याद न रखें, परंतु वे कभी हमें नहीं भूलते। यह मृत्यु लोक है, सबको एक दिन जाना ही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। मरता हुआ व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। यह सब कुछ नहीं, बस मूर्खता है। यह सत्य है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात प्राकृतिक सुंदरता को देखो। भगवान की बनाई सृष्टि कितनी अद्भुत है कि मनुष्य कभी इतनी सुंदर सृष्टि नहीं बना सकता। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।